योजनाओं का भी उल्लेख किया जिसमें राजस्थान के लाखों लोगों को लाभान्वित हुआ और आज अजमेर सहित पूरे राजस्थान में लोगों ने हजारों। आज विकसित भारत विकसित राजस्थान उसके तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे राजस्थान में जितने लाभार्थी हैं उनको आज संबोधित किया और उनको बताया कि उनकी जो गारंटी की बातें हैं और जो कुछ भी गरीबों के लिए लगातार कर रहे हैं उसके लिए कई योजनाओं का भी उल्लेख किया जिसमें राजस्थान के लाखों लोगों को लाभान्वित हुआ और आज अजमेर सहित पूरे राजस्थान में लोगों ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के उनके उद्बोधन का भी सुना और उससे प्रेरणा भी ली और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थियों को गैस के चूल्हे भी बांटे, रेहड़ी वालों को 10,000 रुपये का लोन भी दिया, आवासीय योजना के तहत भी उनको चेक उपलब्ध कराए। इस तरह से उनकी जो सोच है कि 2047 तक एक विकसित भारत बने और विकसित भारत के लिए जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है उस तक लाभ पहुंचे उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि लगभग 18 करोड़ जनता गरीबी की रेखा से ऊपर आ गई है और इकोनॉमी की दृष्टि से भी देश आगे बढ़ रहा है। 5वीं इकोनॉमी तक तो हम 11वें के स्थान पर पहुँच गए, शायद अगले 2-3 महीने में ये 4थे स्थान पर पहुँचेंगे और अगले 2 साल के अंदर ये 3री विश्व की अर्थव्यवस्था बनेगी जिसके कारण से यह राजस्थान विकसित होगा। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से इसमें गति आई है और लगता है ये गति निरंतर जारी रहेगी और इस तरह के उद्बोधनों से और सर के लाभ से काफ़ी गरीबों को इससे लाभ होगा। मैं इन सब से आग्रह करूँगा कि इन योजनाओं का पूरी तरह लाभ उठाएँ और जिसके निमित्त उनको लोन मिला है या राशि मिली है उसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन स्तर ऊँचा उठाएँ।